जारी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। सदर तैयब अर्दवान भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए आया सूफिया इस वक्त पहुँच चुके हैं। आया सूफिया में आज 86 साल बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तुर्क सदर भी नमाज जुमा आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद में अदा करेंगे और नमाज जुमा की अदायगी के लिए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान इस वक्त आया सूफिया पहुँच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं बराह रास्त इस्तांबुल में आया सूफिया में 86 साल बाद आज नमाज जुमा अदा की जाएगी। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने इससे पहले आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद की तख्ती की रुनुमाई की। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तुर्की के आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद में अब से कुछ ही देर बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी, जिसके लिए तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी थी। शहरियों की बड़ी तादाद पहले ही आया सूफिया पहुँच चुकी है और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान नमाज जुमा की अदा के लिए वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर हुकूमती अरकान भी यहां पर मौजूद हैं। तुर्क सदर भी नमाज जुमा आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद में ही अदा करेंगे और नमाज की अदायगी के लिए इस वक्त तुर्क सदर आया सूफिया में इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद की तख्ती की रुनुमाई की थी। तुर्की की जामे मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद नमाज जुमा की अदायगी। तुर्क सदर तैयब अर्दवान और आला शख्सियात समेत हज़ारों शहरियों ने इसमें शिरकत की है। हज़ारों की तादाद में शहरी आया सूफिया इस वक्त पहुँचे हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दवान भी आया सूफिया पहुंच चुके हैं। आया सूफिया में 86 साल बाद आज नमाज जुमा अदा होगी और काफ़ी दिनों से ही तैयारियां भरपूर तरीके से जारी थी और इससे पहले तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद की तख्ती की रुनुमाई की। ये जो मनाजिर आप देख सकते हैं ये आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद के मनाजिर हैं जहाँ पर तुर्क सदर तैयब अर्दवान पहुँच चुके हैं। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله
इसके साथ आया सूफिया में आज 86 साल बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। बहुत दिनों से ही ये तैयारियाँ जारी थी। إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.